पहला स्टॉक है वो जो कि अनुज अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, सीजी पावर, और ये नासिक से प्रदीप होल्ड करते हैं। इन्होंने सिर्फ 63.50 रुपए पर खरीदा था। पूछ रहे कि क्या करना चाहिए, अभी लॉस हो रहा है 10.80 रुपए का। सीजी पावर आज और कल में थोड़ी एक अपूर्ण नजर आया है यहाँ पर। आज भी एक अच्छा अपूर्ण है, लेकिन कल में जो गिरावट थी वो थम गई। शायद इसमें अपूर्ण मिलेगा, इसका पहला टेक्निकल टारगेट कुछ 57 का बन सकता है। वहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, जब तक ये 60 क्रॉस नहीं होता तब तक 72 नहीं जाएगा, तो 57-60 में ये जोन में यहाँ पर काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इतनी गिरावट हुई है, मुझे लगता है शायद एक बाउंस मिलेगा, तो इसलिए होल्ड कर सकते हैं। टाटा पावर, समीर गुप्ता नैनीताल से होल्ड करते हैं। 1,682 रुपए इनकी खरीद का भाव है। तो वीक स्ट्रक्चर, लेकिन लगता है कि लोअर लेवल्स में शायद एक सपोर्ट मिले करीब 70 के आसपास। अगर इसमें बाउंस मिलता है तो अराउंड 80 के आसपास जा सकता है, आपके कॉस्ट के आसपास ही है, वहां पर निकल सकते हैं। RCF और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर है सुमेश लाल जी के पास, 100 शेयर 78 रुपए की खरीद। वेल यहाँ पर ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल से और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आस पास ट्रेड कर रहा है, वो है 65। अब पू मिल सकता है, अगर अब पू मिलता है थोड़ा वक्त लगेगा, 85 की तरफ जा सकता है, वहां पर आप निकल सकते हैं। सिंटेक्स प्लास्टिक, प्रतिम डे होल्ड करते हैं। 1,000 शेयर 65 रुपए में खरीदा था इन्होंने। एग्जिट वीक स्ट्रक्चर, वीक चार्ट पैटर्न इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। ठीक है, 20 रुपए का नुकसान हो रहा है पर शेयर, इस नुकसान को भुगतना पड़ेगा। अशोक लेलैंड, रोहित गुडाके का सवाल है, इनके पास है 500 शेयर, इन्होंने से खरीदा था 147 पर। Well, मेरे ख्याल से ये स्टॉक बढ़िया है, इनका नजरिया लंबा होना चाहिए, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 130 के आसपास है और 136 बहुत पास ही है। इनको चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर SIP मेथड रखेंगे तो मुझे लगता है ये अपनाएंगे तो ये एक अच्छा स्टॉक निवेश हो सकता है। वेदांता, जयवंत देश पांडे के पास है 258 रुपए के लेवल्स पर 200 शेयर। है तो वीक स्ट्रक्चर, इसमें अपू मिलेगा तो इसका एडवांटेज लेकर निकल जरूर जाइएगा, है वीक स्ट्रक्चर, इसमें निकलने की सलाह है। कोरोमंडल पर सवाल है कुंदन जी का, 1200 शेयर हैं, 498 रुपए की खरीद रही है। कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, वेल इंटरनेट 498, मुझे लगता है यहाँ पर है तो वीक स्ट्रक्चर, शायद एक बाउंस मिले, उस बाउंस के करीब हो सकता है 430 तक ले जाएगा, वहां पर निकल सकते हैं लेकिन निकलना जरूर चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। एवरेडी इंडस्ट्री, सुहास परब होल्ड करते हैं, 50 शेयर, 399 रुपए की खरीद। वीक यहाँ पर, लेकिन सपोर्ट है, सपोर्ट का एक बाउंस जरूर मिल सकता है, वो टारगेट करीब 300 के करीब ले जाएगा, वहां पर निकलेंगे तो नुकसान कम होगा लेकिन निकलना चाहिए। बहुत ऊंची खरीद रही है, 157 रुपए का लॉस हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करने के लिए आपको सलाह मिल रही है। वोल्टास है सुभाष पंचाल जी के पास और 100 शेयर है, 600 रुपए में खरीदा इन्होंने। यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट की करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, जो बाउंस होगा वो करीब 580-600 के करीब ले जा सकता है, जो आज ऐड करें वो वहां पर निकल सकते हैं, फिलहाल होल्ड कीजिए। टाइटन, दीपिका पांडे पूछ रही है सवाल, 80 शेयर, 972 रुपए 50 पैसे की खरीद। ये स्टॉक होल्ड के लायक है, इसमें करेक्शंस आते रहते हैं और करेक्शन कंज्यूम हो जाते हैं, मुझे लगता है ये सेकंड करेक्शन जो आया ये भी कंज्यूम होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 850 के आसपास है, वहीं से एक बाउंस मिला है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, 950-1000 फिर चला जाएगा। बाटा मुंबई से गोविंद पूछ रहे हैं, 50 शेयर है, इन्होंने इसे खरीदा था 807 के लेवल्स पर। मुनाफे में बैठे हैं, होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है बाटा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 700-750 के आसपास है, मुझे लगता है ये 1000 की तरफ जा रहा है लेकिन उसे वक्त लगेगा, होल्ड कर सकते हैं, पेशेंस की जरूरत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 250 शेयर, 266 की खरीद। बड़ौदा से सलीम का सवाल है, होल्ड करना चाहिए, जो अच्छी जगह से बाउंस हुआ है वो करीब 240 के आसपास, जो बाउंस मिला है करीब 320 के आसपास, 300-320 की तरफ ले जा सकता है, वहां पर चाहे तो मुनाफा बुक कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। IOC 200 शेयर, 168 रुपए 50 पैसे की खरीद। जयपुर से महेश का सवाल है, निकल जाइएगा, एग्जिट, मुनाफा मिल रहा है, बुक प्रॉफिट।
ठीक है। दिनेश कुमार, आदित्य बिरला कैपिटल का शेयर होल्ड करते हैं, 200 शेयर हैं इनके पास, 175 में खरीदा था, नुकसान हो रहा है इन्हें 36.15 रुपए पर शेयर। जब से लिस्ट हुआ है तब से एक गिरावट देख रहे हैं स्टॉक में। आदित्य बिरला कैपिटल में वीक स्ट्रक्चर है और मुझे लगता है और भी नीचे लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। हम मानते हैं कभी भी फ्लोर नहीं लगाना चाहिए, कितना नीचे जाएगा कहना मुश्किल है। एग्जिट जब तक इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तब तक खरीदना नहीं चाहिए, और स्ट्रेंथ नजर आएगी जब वो ट्रेड करेगा 160 के ऊपर, तब तक वीक। ठीक है, तब वीक दिख रहा है ये भी कैपिटल, बिल्कुल एग्जिट कर जाइए। और इस स्टॉक के साथ स्टॉक फटाफट में इतने ही स्टॉक्स हम शामिल कर सकते थे। एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे, हमारे दर्शक पूछेंगे अपने सवाल। हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके पास है स्टॉक जिस पर आपको लग रहा है कि क्या करना है आपको आगे, तो जुड़िए हमारे साथ, पाइए प्रकाश गावा की सलाह। वेलकम बैक। इस समय बाजार में अच्छी खासी मजबूती, और देखिए एक दो तीन स्टॉक्स रिलायंस इस समय मार्केट को हाईस पर ले जा रहा है, और ये ग्लोबल मूव है। देखिए आप सारी मार्केट्स नीचे फ्लैश हो रही हैं, इंट्राडे में काफ़ी रिकवरी आ रही है सब मार्केट्स में, और HDFC बैंक इस समय हाईस पर चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम इस समय लग रहा है कि वापस आ रहा है। अब हमारे कुछ कॉलर्स को जोड़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ पुणे से प्रशांत हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बताइए अपना सवाल पूछिए। जी मेरा अंबुजा सीमेंट है, 200 क्वांटिटी मैंने बाय की है, 200 के प्राइस से। ओके, ये 1 वीक हो गया समथिंग इसको लिया हुआ मुझे। ठीक है, 1 वीक हो गया। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये स्टॉक इस समय करीब करीब 52 वीक लो पे चल रहा है, ठीक है ना, और अच्छी इंडिया की नंबर 2 सीमेंट कंपनी है, तो एक चीज तो इसमें सर्टेन है कि इसमें आपका पैसा बनेगा और अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन अब वो कब बनेगा और आपको कितना इसमें लॉस झेलना पड़ेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए इसका हाई 300 है, 52 वीक हाई, उससे पहले का हाई उससे भी ज़्यादा है। कमोडिटी स्टॉक्स में एक साइकिल होती है, और इस साइकिल मेरे ख्याल से बॉटमिंग आउट के काफ़ी करीब है, और जहाँ पर ये रिवर्स होगी वहाँ से ये स्टॉक आपका एटलीस्ट डबल होगा, लेकिन फिर वही बात है कि किस लेवल से डबल होगा और कितना और गिर सकता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ आपने एक अच्छा स्टॉक लिया और अच्छे प्राइस पर भी लिया है। प्रकाश टेक्निकली तो ऑफकोर्स वीक स्टॉक क्योंकि कमोडिटी स्टॉक है और डाउन साइकिल में है, तो 52 वीक लो पे है, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे? मुझे ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती, हाँ लोअर लेवल से सपोर्ट है, वो सपोर्ट करीब 180-185-90 के आसपास है, ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती है, फिर एक बाउंस वहाँ पर मिल सकता है, और कितना वक्त लगेगा टर्न करते करते डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको रेसिस्टेंस जरूर बता दूंगा, वो करीब 225 से 240 पे जोन पे है, जो अगर वहाँ खरीदते हैं तो जो खरीदे वो बेचिए 220 से 240 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती। ठीक है, ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती है। और अगले कॉलर हमारे साथ GS बेदी लुधियाना से। बेदी जी गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे मदद करें आपकी? सर मेरे पास मंडाना इंडस्ट्रीज के 5000 शेयर्स हैं 11.70 रुपए के पैसे पे। ठीक है, कब लिया आपने ये? सर ये तकरीबन 1 साल होने वाला है। चलिए ठीक है, और मोहित इंडस्ट्रीज के 2000 हैं 61 पे। मोहित इंडस्ट्रीज के 2000 हैं 61 पे। हाँ जी, और एट 30.69 हजार शेयर NHPC के हैं आपके पास। सर आप किस लिए इन शेयरों में अभी तक फंसे हुए हैं? बहुत मोटा लॉस है आपको, मंदहाना देखिए 5 रुपए का हो गया है, आपने लिया हुआ है 12 रुपए पे करीब पे, आधे से कम हो गया है। मोहित आपने 61 रुपए पे लिया हुआ है, वो 15 रुपए का स्टॉक रह गया। आप किस लिए रुके हुए हैं अभी तक इन स्टॉक्स में, एक जानना चाहता हूँ। किसी ने रिकमेंड किया था कि भाई ये ऊपर लेवल पे आएंगे तो उसको कॉस्ट भेज देना। अच्छा ठीक है, देखिए जिसने रेकमेंड किया था आपको उसने पहले खुद लिया था और उसके बाद उसने रेकमेंड किया था ताकि उसको एग्जिट मिल जाए। ये एक स्टॉक मार्केट का बहुत सिंपल उसूल मैं आपको समझाता हूँ, आपका अपना भाई भी आपको तब तक स्टॉक नहीं बताएगा जब तक उसके पास खुद नहीं होगा, और हो सकता है कि वो इसलिए आपको बताए क्योंकि उसको निकलना होगा। ये किसी के कहने पर स्टॉक मत लीजिए, और अगर आप ले भी रहे हो खासतौर से मिड कैप ले रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस लगाइए 15% या 20% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत रखिए, उससे ज़्यादा का स्टॉक गिरता है उसके बाद वो आपकी होप ट्रेड हो जाती है कि
आप ये होप करते हैं कि मेरा प्राइस आप मेरे को वापस मिलेगा। स्टॉक मार्केट में ये रूल नहीं है। अगर आप फिक्स इनकम लेते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, तो वो एक रूल है कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और इसके लिए उसका रिटर्न बहुत लिमिटेड होता है, 7 और 8% का रिटर्न होता है। स्टॉक मार्केट में क्योंकि अनलिमिटेड रिटर्न होते हैं तो रिस्क भी अनलिमिटेड होता है, और ये बहुत अच्छा चांस है कि आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट कर दे, जितना बचा है वो भी शायद निकल जाए। NHPC फिर भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन वहाँ पर भी स्टॉक तो इस समय बेयर मार्केट में ही चल रहा है। प्रकाश, NHPC मेरे ख्याल से इकलौता शेयर है जहाँ पे इनको थोड़ी शायद उम्मीद होनी चाहिए, और बाकी दोनों में क्या करना चाहिए? एक तो मेरे ख्याल से एक सलाह दूंगा, मैंने अर्ली ट्रेडिंग लाइफ में सीखा था कि होप मार्केट में काम कभी नहीं करता। जब आप होप करते तो वही एक समय है एग्जिट करने का। रही बात मंदाना की, है तो वीक, आपको मौका मिलता है निकल जाइएगा। मोहित इंडस्ट्री की बात की आपने, यहाँ पर भी वीकनेस है, एग्जिट क्लियर कट। और NHPC पर, NHPC की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, शायद एक अपूम, लेकिन इसमें ट्रेंड नहीं है। NHPC में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, फिर एक एक्सपेंशन मिलेगा, 30 के आसपास निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेदी जी ख्याल रहे, आपको मोहित इंडस्ट्रीज और मंदाना से बिल्कुल क्लियर एग्जिट की सलाह दे रहे हैं प्रकाश जी। और जहाँ तक NHPC है, इसे आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, कुछ और वक्त दे सकते हैं। और अब हिसार से साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते साहिल, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैम मेरे पास SRF के 2424 के प्राइस पे 100 शेयर हैं। ठीक है, आपका नजरिया क्या है, छोटी अवधि का है या लंबी अवधि का? नुकसान तो बहुत हो रहा है आपको साहिल जी। हाँ जी मैम, पुरानी खरीद मीडियम टर्म के लिए। हाँ जी, जनवरी में लिए थे मैंने, अब जब भाई पे गया था। ठीक है, तो जनवरी की खरीद है, बहुत ज्यादा नुकसान। प्रकाश जी कैसे उभरेंगे यहाँ पर साहिल इस नुकसान से? SRF सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए 1820 का। अब ट्रेड करा है ऐसी जगह पर जहाँ पर सपोर्ट है, अगर 1820 भी टूट जाता है तो फिर निकल जाना चाहिए इनको। अगर इसमें अपमूव मिलता है मुझे थोड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन एक लेवल देता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, वो है करीब 2000 का। जब 2000 के पार चला जाएगा तो आपकी कॉस्ट मिलेगी, जब तक ये 2000 के पार नहीं चलता आपको डिफिकल्ट है कॉस्ट मिलना। अगर 2000 के आसपास निकल भी सकते हैं वहाँ पर, लेकिन अब ट्रेड कर रहा है सपोर्ट के इर्द गिर्द, ये इतनी बता दूँ मैं। जी हाँ, देखिए इसमें बहुत बड़ा मूव आया था, और कमोडिटी कंपनी है तो इसमें एक आध नतीजे कई बार खराब आते हैं, तो इसकी वजह से इसमें करेक्शन आया है। वैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन लास्ट अभी मिड कैप का ही मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो इसके लिए इसमें काफ़ी पनिशमेंट आ गई थी, तो थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस रखिए क्योंकि अभी काफ़ी सपोर्ट के पास है, लेकिन आपने तो काफ़ी हाई पे ले लिया था। गौरव पटियाला से हमारे अगले दर्शक। गौरव गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ तो पूछिए अपना सवाल। सर मैंने 3 शेयर लिए हैं जेट एयरवे के। अच्छा ठीक है, मुझे सर 20-25 दिन हो गए, 401 पे लिए थे। 30 शेयर लिए हैं आपने? हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक है, आपने 30 शेयर लिए हैं तो देखिए आपको एक, आपने कम शेयर लिए हैं और ये एक आपके फेवर में जा रहा है, क्योंकि देखिए ये वीक स्टॉक है। एक तो एयरलाइन सेक्टर ने कभी पैसा नहीं बनाया, एयरलाइन सेक्टर वर्ल्ड वाइड, और ये इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स के लिए पैसा नहीं बनाया, ट्रेडर्स के लिए पैसा बना सकता है। तो जेट एयरवेज का अगर आप ट्रेंड देखें, 200 के करीब जाता है तो बाइंग आती है, 600 के करीब जाता है तो सेलिंग आती है, तो ये उसी टाइप का स्टॉक रहने वाला है। प्रकाश इनको निकलना चाहिए 20 रुपए का लॉस लेके, या फिर रहना चाहिए? नहीं, निकल जाना चाहिए इसमें, क्योंकि इतना जो वीकनेस जो बार बना हुआ है, पिछले महीने 650 से 3400 चला गया, ऐसा बार नॉर्मली आप और हम नहीं बनाते, कोई इंस्टीट्यूशन ही बनाते हैं। हाँ। और यहाँ पर एग्जिट ही मेरे ख्याल से सलाह है। ठीक है, तो जेट एयरवेज से निकल जाइए गौरव, इसका ख्याल रखिए, निकल जाइए, यहाँ आपको नुकसान हो रहा है और कोई आगे की राह अच्छी नहीं दिख रही है। इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। अनुज और मैं आपसे सौदा आपका मैं यही लेंगे इजाजत, देखते रहिए CNBC।